Dear students, in this module, we are going to discuss postponing job hunting for education. In contemporary societies, education is often viewed as a prerequisite for economic success and social mobility. As a result, many individuals choose to postpone job hunting in order to pursue further education, such as attaining graduate school or completing. वोकेशनल ट्रेनिंग आज की दुनिया में चूँकि एजुकेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है और एजुकेशन को सोशल मोबिलिटी के लिए एक बहुत अहम अनसर समझा जाता है तो इसी वजह से एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस भी दी जाती है नस्बता इसके कि हम जल्द अज़ जल्द, जल्द जो है वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के अंदर जाएँ ट्रडिशनल सोसाइटीज़ के अंदर ये होता था कि जैसे ही बच्चा जो है आ, बड़ा होता था उसके साथ ही किसी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन के अंदर वो इंगेज हो जाता था और उसका जो लर्निंग मेकानिज़म होता था वो वहीं पे ऑन स्पॉट ट्रेनिंग होती थी लेकिन आज ये सारा मेकानिज़म तब्दील हो चुका हुआ है और हम देखते हैं कि हमारी ट्रेनिंग जो है वो बहुत बाद में शुरू होती है उससे पहले जो थ्रेटिकल लर्निंग है जो एजुकेशन है उसके थ्रू हम एक ख़ास डिग्री एक्वायर करते हैं और फिर हमारे लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पॉसिबल हो पाती हैं तो इस सारे प्रोसेस के अंदर जो मेजर डिले आता है वो आपकी जॉब हंटिंग प्रोसेस के ऊपर आता है और ख़ास तौर पर जैसे जैसे सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है और कंपटीशन भी उसके साथ साथ बढ़ रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि वैसे वैसे गवर्नमेंट्स भी जो हैं वो डेलीबरेटली कुछ पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाती हैं जिनकी वजह से जॉब हंटिंग का प्रोसेस जो है वो रिलेटिवली मज़ीद डिले होता जाता है मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं तो पहले जॉब के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती थी वो शायद ग्रेजुएशन होती थी आज हम देखें तो ग्रेजुएशन से हम मास्टर्स और मास्टर्स के बाद जो है एम जो है वो हमारी बेसिक क्वालिफ़िकेशन बन चुकी है किसी भी जॉब हंटिंग प्रोसेस के अंदर तो इस तरह से जो ये एक डिलेइंग मैकेनिज्म है या डिलेइंग टैक्टिक है इसके ज़रिए गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करती है कि उसकी जो अं, अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है उसके अंदर इजाफा ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो जब इस एजुकेशन के प्रोसेस के अंदर रहेंगे तो आपकी जो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है लेकिन इसके साथ साथ जो देखने की चीज़ है वो ये है कि क्या एजुकेशन जो है अगर जॉब हंटिंग प्रोसेस के ऊपर असरअंदाज होती है उस प्रोसेस को डिले करती है तो क्या इसके एडवांटेजेस हैं आपके माशरे के लिए या डिसएडवांटेजेस होते हैं कुछ प्रोपोनेंट्स जो हैं इसके वो कहते हैं कि इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं आप जितनी स्पेशलाइज स्किल्स और जितनी स्पेशलाइज्ड एजुकेशन हासिल करते हैं उतने ही आपके ब्राइट चांसेस होते हैं कि आप आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर एक्सेल कर पाएंगे ऑन द अदर हैंड जो इसके क्रिटिक हैं वो ये कहते हैं कि जितना आप अपने जॉब हंटिंग प्रोसेस को डिले करते जाते हैं पोटेंशली उतना ही आप जो है लूज़ करते हैं क्योंकि वो लोग जो अर्ली करियर के अंदर या बहुत जल्दी जो है वो जॉब प्रोसेस के अंदर इन हो जाते हैं उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ टू तो एक्सेल ज़्यादा होती हैं नस्बत तो उन लोगों के जो अपना करियर जो है वो लेट शुरू करते हैं तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्टेशन टू सी पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द पाकिस्तान तो पाकिस्तान के अंदर हायर एजुकेशन इज़ ऑफ्टन सीन एज अ मीन्स टू सिक्योर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड सोशल स्टेटस However, postponing job hunting for education can have both positive and negative consequences. Because, on the one hand, further education can enhance an individual's skill and knowledge, making them more competitive in the job market. While, on the other hand, postponing job hunting can delay an individual's entry into the workforce, potentially leading to the loss of income and missed opportunities. Additionally, the cost of education can be a barrier for individuals who wish to postpone the job hunting for education. तो so, जब हम uh, postponement की बात करते हैं तो education की जो cost है उसको भी देखना पड़ता है कि at the expense of that cost जो है हम अपना job hunting process delay करते हैं तो so, इसके हवाले से एक नज़रिया ये भी है कि potentially जितनी investment आप अपने एजुकेशनल करियर के अंदर करते हैं वही इन्वेस्टमेंट अगर आप अपनी जॉब के अंदर या अपने बिजनेस के अंदर करें तो शायद आप फ्यूचर uh, के अंदर उससे ज़्यादा बेनिफिट्स गेन कर सकते हैं इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर हमें इस सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है दैट वेदर जॉब हंटिंग प्रोसेस शुड बी डिलेड फॉर द सेक ऑफ़ एजुकेशन और नॉट तो वी शुड इवाल्यूएट द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बाय पोस्टपोनिंग द जॉब हंटिंग फॉर एजुकेशन And we can also develop the policies and interventions aimed at supporting individuals in making informed decisions about their education and career paths. So, the decision to postpone the job hunting for education is, uh, in a nutshell, influenced by a variety of factors, including economic conditions, social norms, and personal aspirations. So, when we talk about the मेजर फैक्टर्स एड वाई वी आर पोस्टपोनिंग जॉब्स तो इसके अंदर जो बड़ा फैक्टर है वो आपके एग्जिस्टिंग एक्नॉमिक कंडीशन का होता है इफ़ यू आर फ्रॉम अफ्लोन फैमिली आपके फ्यूचर uh, के हवाले से जो है इफ़ यू आर हैविंग इनाफ मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ तो आपको ज़्यादा फिक्रमंद होने की चूँकि ज़रूरत नहीं होती इसलिए यू कैन कंटिन्यू योर एजुकेशन ऑन द अदर हैंड दोस्त हु आर द सोल ब्रेड विनर ऑफ देर फैमली तो उनके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो जल्द से जल्द अपना करियर जो है उसको स्टार्ट कर सके इसी तरह से जो सोशल नॉर्म्स हैं और आपकी जो पर्सनल एस्पिरेशंस हैं वो भी इस प्रोसेस के अंदर एक अहम रोल प्ले करती हैं दैट हाउ मच एस्पायरिंग यू आर कि आपका फ्यूचर करियर क्या होना चाहिए और आप किस लेवल की एजुकेशन हासिल करके उस करियर को एक्सेस कर सकते हैं सो इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर यू कि आप देखें कि कौन कौन से करियर जो हैं उनके लिए आपको हाईएस्ट डिग्री रिक्वायर्ड होती है और वो कौन कौन सी हाईएस्ट डिग्रीज़ हैं और उनके अंदर कितने नंबर ऑफ़ uh, uh, कितने नंबर ऑफ़ एकेडमिक इयर्स रिक्वायर्ड होते हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर देखें और इसका एक कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर जो एंट्री इंटू जॉब मार्किट है उसकी क्या एवरेज एज है और uh, पाकिस्तान में उसकी एवरेज एज क्या है बाय मेकिंग दिस कंपैरिजन यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग Of the view that how people are entering into the job market after getting education.